नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल भक्ति खबर में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर यदि आप चौथ का व्रत नहीं करते तो वो करने लगेंगे। एक बुढ़िया माई थी, उसके गावलियों बछलियों नाम को बेटो हो। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोज़ाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेचकर चुपके से सामान लेके आती। फिर 5 चूरमे के पिंड बनाती, एक बेटे ने खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता के चढ़ाती व 2 बांट देती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमे के लड्डू बना रखे थे तो उसने पूछा कि आज क्या है, सो थे चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनावे है, तुमको आज दिया था। बेटा बोला दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियाँ लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपकर बेचकर चूरमा बनावे है। बेटा माँ के पास गया, बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम चूरमा करके खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया तो माँ बोली कि तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरा हाथ का ये आखा लेकर जा, तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा चौथ माता के नाम पर इन्हें पोहार देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा कि है तो झूठी बात लेकिन बात रखने के लिए ले लेवा। घर से चला, थोड़ी दूर गया होगा और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए आखा पोहार के बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो जाता है। थोड़ा आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आखा पुहार कर बोला कि हे चौथ माता, मैंने रास्ता मिल जावे नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई तुम रो क्यों रही हो। बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊँगा। माई बोली रोटी खिला दूँगी लेकिन तुझे कैसे भेज दूँ। उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मुझे जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराए पूत ने कैसे बलि चढ़ा दूँ, पर इतने में ही वह जाग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची कि आज तक कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा। राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहाँ पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंड आवा में चुन दिया। जब उसे चुना जा रहा था तो उसने आखा पुहार कर कहा कि हे चौथ माता, 2 संकट टाल दिए, ये भी तुम ही टालो। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज़ आई।
बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाले आवा इतनी जल्दी कैसे पक गए। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम, तो उसने अंदर से ही कहा कि मैं वो ही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि ली थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वो ही आदमी है जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और बच कैसे गए, तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी की वजह से बच गया। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया, दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथ और पैरों में जंजीर डाल दी। राजा ने कहा कि अब अपन जंगल की तरफ चलते हैं, अगर ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएंगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माथा सच्ची हैं। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिए। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वहीं महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में संयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रखा था, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा कि आपके गांव भी है क्या? तो उसने बताया कि हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में बताया, फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें फिदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियाँ तो कटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी तो उसी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ हैं? एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा बुझा के निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पांव छुए। बेटे ने कहा कि माँ, तेरी चौथ माता के प्रभाव से मैं आज जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हरकारा करवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा चौथ माता का व्रत करें। चौथ माता जैसे उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया, वैसे सबको बचाना, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, सभी के परिवार की रक्षा करना। दोस्तों, यह थी चौथ माता की कहानी। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इसे अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।